योग्य है, स्तुति की योग्य है, उसके नाम को पुकारेंगे और उस बात को कहेंगे। हरदम यीशु यीशु बोल, तेरा क्या लगे है मोल। हरदम यीशु यीशु बोल, तेरा क्या लगे है मोल। हरदम यीशु यीशु बोल, तेरा क्या लगे है मोल। हरदम यीशु यीशु क्या लगे है मोल, तेरा क्या लगे है मोल। क्या लगे है मोल, तेरा क्या लगे है मोल। हरदम यीशु यीशु बोल, तेरा क्या लगे है मोल। हरदम यीशु यीशु बोल, तेरा क्या लगे है मोल। बोल बोल बोल, हरदम बोल बोल बोल, बोलिए बोल बोल बोल, हरदम बोल बोल बोल। क्या तू लाया क्या ले जाएगा, जरा तू दिल में तो। क्या तू लाया क्या ले जाएगा, जरा तू दिल में तो। क्या तू लाया क्या ले जाएगा, जरा तू दिल में तो। क्या तू लाया क्या ले जाएगा, जरा तू दिल में तो। धन संपत्ति सब यही रहेगी, सब यही रहेगी मन की कुंडी तो। ओ हरदम यीशु यीशु बोल, तेरा क्या लगे है मोल। हरदम यीशु यीशु बोल, तेरा क्या लगे है मोल। बोल बोल बोल, हरदम बोल बोल बोल, बोल बोल हरदम बोल बोल बोल। दस आज्ञा दी निज प्रभु ने, एक से एक अनमोल। दस आज्ञा दी निज प्रभु ने, एक से एक अनमोल। चलने की ताकत वो ही देगा, चलने की ताकत वो ही देगा। मांगो जिबिया को, वो हरदम गठरी सिर पर भारी, बोझ बड़ा हन तो। गठरी सिर पर भारी, बोझ बड़ा हन तो। पाप की गठरी सिर पर भारी, बोझ बड़ा हन तो। पाप की गठरी सिर पर भारी, बोझ बड़ा हन तो। यीशु मसीह को सब दिखला दो, यीशु मसीह को सब दिखला दो। अपनी वो हरदम यीशु यीशु बोल, तेरा क्या लगे है मोल। हरदम यीशु यीशु बोल, तेरा क्या लगे है मोल। बोल बोल बोल, हरदम बोल बोल बोल, बोल बोल बोल, हरदम बोल बोल बोल। यीशु मसीह दयालु प्यारे, आप इनको रह बो। मसीह दयालु प्यारे, आप इनको रहबो। देर करो मत अभी चलो सा, देर करो मत अभी चलो सा। सच्चा गुरु टटो, वो हरदम यीशु यीशु बोल, तेरा क्या लगे है मोल। हरदम यीशु यीशु बोल, तेरा बोलो सभी मसीह की, खूब बजा कर दो। जय जय बोलो सभी मसीह की, खूब बजा कर दो। हम सब दास भजन यीशु का,
सब दास भजन यीशु का गाता तन मन को ओ हर दम यीशु बोल तेरा क्या लगे शुक्ल जो है ताली बजाए भजन इस प्रकार कहता है कि मेरा दिल मेरा हर मन मेरा हर प्राण यीशु को की जय जयकार करने पाए। हालेलुया कहता है मेरे मन उसको धन्यवाद दे उसको धन्य कह उसके हर एक उपकार को जो उसने हमारे लिए किया है स्मरण कर और उसकी महिमा कर। हालेलुया और वचन इस बात को कहता है कि जहां हम उसकी महिमा के लिए इकट्ठा होते वहां वो स्वयं हमारे बीच में आ जाता है। हालेलुया नजर आता है मुझे मसीह सब कहे नजर आता है मुझे मसीह सारे संतों के भी में तू सारे संतों के बीच में तू हम करूं तेरे प्रभु अपने जीवन बरस जंगल के सफर में गाँव शुक्र गुजारिश में क्या इस बात को कहना चाहते हैं शुक्रगुजारी करना चाहते हैं। हालेलुया इस बात को कहे जंगली दरख्तों के दरमिया एक से गुजारिश में गाँव शुक्र गुजारिश
प्यार परमेश्वर वो इत्र के समान है, जैसा हमने गाया, इस जहां को अपनी खुशबू से महकाने वाला प्यार यीशु, हम जानते हैं तूने हमें भी वो प्यार दिया है, हमसे भी वो प्यार किया है। तू प्रेमी है, तू अद्भुत है, तूने हमसे इतना प्यार किया यीशु कि अपनी बाहें फैला दी और तूने इस बात को दिखाया उस क्रूस पर। हो सकता है पिता आज वो क्रूस हमारे लिए धुंधली बात हो, लेकिन परमेश्वर हम उस धुंधलाहट को परमेश्वर आज फिर से निहारना चाहते हैं, उस मृत्यु को फिर से हम याद करना चाहते हैं जो आपने हमारे लिए, सिर्फ हमारे लिए दी है। हम इस बात को भी जानते हैं कि आप हमें लेने आने वाले हैं। अब वो कांटों का सहरा नहीं रहेगा परमेश्वर, अब वो दूरी की आवाज रहेगी बादलों पर। हमारा ये विश्वास है। अब नहीं वो तो पहने दूल्हे का सेहरा, अब नहीं है वो कांटों का सेहरा, वो तो पहने दूल्हे का सेहरा। जिंदगी जे वतन कैसी, आसमां की बेदारी तो दे।
मिटेगी, एक नई दुनिया फिर से बनेगी, सब नया होगा, जग नया होगा, सब नया होगा, जग नया Thank you.
आनंदित हूँ कि मैं इस कलीसिया से जुड़ा हुआ हूँ जहाँ पे उन्नति की बात होती है, जहाँ पे विश्वासियों को उन्नति के बारे में बताया जाता है प्रार्थना के द्वारा, वचन के द्वारा, उनका आत्मिक जीवन में उन्नति होनी चाहिए। और ये वर्ष जो है उन्नति का वर्ष है, हमारा ध्यान जो है आत्मिक जीवन में उन्नति का होना चाहिए। हालेलुया। वचन की तरफ बढ़ेंगे हम और फिर प्रार्थना करेंगे। व्यवस्था विवरण उसका 6वां अध्याय, मेरे ख्याल से ये सबको मालूम है, ये वचन D6 बोला जाता है इसको। पहले वचन से लेकर 7वें वचन तक अगर कोई भाई मेरे लिए पढ़ लें तो अच्छा रहेगा। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते हैं सामर्थ्य और जीवते परमेश्वर, तू महान दयालु परमेश्वर। प्रभु जी आज के दिन के लिए धन्यवाद, सुंदर समय के लिए धन्यवाद प्रभु, तेरी उपस्थिति तेरी अगुवाई के लिए धन्यवाद प्रभु। सुबह से लेकर अब तक तूने संभाला उसके लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। धन्यवाद के हृदय के साथ प्रभु जी आते हैं, तेरे उपकारों को याद करते हैं प्रभु। प्रभु जी होने दिए वचन जो प्रभु जी हमने पढ़ा है प्रभु जी, और वचन के द्वारा जो भी तेरी आत्मा हमसे बात करती है प्रभु, हमारे हृदय में प्रभु जी वो प्रभु जी उस बीज की तरह गिरने पाए और प्रभु जी वो 100 गुना फल देने वाले हो सके प्रभु जी। हम इन वचनों पर कायम रहने वाले हो सके प्रभु जी, और तुझसे प्रेम करने वाले हो सके प्रभु जी, सिर्फ और सिर्फ तुझसे प्रेम करने वाले और तेरे वचन के अनुसार हमारा जीवन होने पाए। आदर महिमा तुझको देते हैं यीशु मसीह के नाम से। आज मैं बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करूंगा, थोड़ा सा दिलों को लग भी सकता है लेकिन ज़रूरी है, क्योंकि मैं इसके साथ में अपनी गवाही भी दूंगा। मेरे जीवन में वचन कितना काम किया है ये भी मैं बताऊंगा आपको, परमेश्वर का क्या योगदान है हमारे जीवन में, मेरे जीवन में क्या, वो मैं बताना चाहूंगा। मैं एक मसीह परिवार में मेरा जन्म हुआ और संडे स्कूल मैं 10-12 साल तक संडे स्कूल में जाता रहा। मेरी उम्र जब 12 साल की थी तब तक मुझे याद है कि मैं संडे स्कूल अटेंड किया हूँ। उसके बाद जो है मेरा जीवन जो है दुनिया की तरफ मुड़ गया, मतलब बहुत कम उम्र में मैं अपने आप को दुनिया में, दुनिया की मोह माया में अपने आप को फंसा दिया। और कम से कम 22 साल मैं इस दुनिया में, दुनिया के आप जान सकते हैं कि क्या क्या किए हैं, सारे बुरे काम मैंने किए। ये ज़रूरी है कि हम अपने घर पर, आप सब विश्वास में हैं, बहुत से लोग कई सालों से विश्वास में हैं, बहुत से लोग 1-2 साल हुआ होगा या 4-5 साल, लेकिन ये ज़रूरी है कि हम अपने घर पर अपने बच्चों को वचन के द्वारा, परमेश्वर के भय और प्रार्थना का जीवन, ये सब कुछ हम घर से शुरुआत करें।
संडे स्कूल सिर्फ हफ्ते में एक बार हम भेजते हैं और सारा जिम्मेदारी हम संडे स्कूल को नहीं दे सकते हैं। हफ्ते में 6 दिन हम स्कूल भेजते हैं बच्चों को सिर्फ 5 घंटे के लिए, लेकिन सारी जिम्मेदारी स्कूल वालों की नहीं होती। जिस तरीके से माँ बाप की जिम्मेदारी है, माँ बाप जो बच्चों को सिखा सकते हैं वो ही उनके जीवन में काम आएगा, क्योंकि हमें देखते हैं वो। वचन जो अभी पढ़े हैं वो हमें बताता है कि हमारा जीवन कैसा होना चाहिए, हमारे बच्चों का जीवन कैसा होना चाहिए। मेरे पापा सरकारी नौकरी करते थे, साथ में उनका फॉरेन गुड्स का बिजनेस भी था। तो मैंने कम समय में, बहुत कम उम्र में मैंने पैसे को देखा है। पैसा जो है मेरे घर पे ऐसे ही पड़ा रहता था, मैं उठा लिया। समझ गए होंगे आप लोग उठाना मतलब, पिता की बिना जानकारी के लेके जाना मतलब चोरी करना। और उस पैसे को मैंने कैसे खर्च किया है, सारे गलत कामों में। क्या मेरे घर में शिक्षा नहीं थी? थी, लेकिन एक समय ऐसा आया कि वो शिक्षा नहीं दे पाए या मेरा चर्च जाना नहीं हुआ। मेरी माता की तबीयत खराब हो गई, वो बीमार रहने लग गई। मेरे पापा जो हैं अपने कामों में व्यस्त हो गए और उनका जो ध्यान माता पिता का वो मेरे ऊपर से हट गया और मेरा जीवन पूरा। 22 साल के बाद परमेश्वर की जो इच्छा है वो मेरे जीवन में पूरी हुई। आज मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, लेकिन फिर भी एक बात कहना चाहता हूँ कि अगर माँ बाप बच्चों पर ध्यान नहीं देंगे बाद में हम दोष किसको देंगे? आज मेरे पापा बहुत खुश हैं, मेरी माँ नहीं है आज। वो नहीं देख पाई कि उसका बेटा जो है आज प्रभु की सेवा कर रहा है, लेकिन पापा आज बहुत खुश रहते हैं, मेरा परिवार बहुत खुश है, और भी बहुत से लोग हैं जो मेरे जीवन से आशीष पाते हैं। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहूँगा, लेकिन एक विनती है मेरी आप लोगों से। आज मैं समझ पा रहा हूँ कि परिवार पूर्ण होता है जब हम सब लोग एक साथ बैठकर, पत्नी पति हमारे माँ बाप बच्चे, हम सब बैठकर यहोवा की जब आराधना करते हैं, स्तुति करते हैं, तो परिवार पूर्ण होता है। परिवार वो नहीं है कि मेरी पत्नी है, मेरे बच्चे हैं और एक छत के नीचे रहते हैं, वो नहीं है। हम प्रभु को जानते हैं और प्रभु को धन्यवाद देते हैं, वही है परिवार पूर्ण, जब हम सब मिलकर उसकी महिमा करते हैं। आज हमारे घर पर सुबह शाम प्रार्थना होती है, परिवार का फैमिली प्रेयर हमारे घर में होता है। ये हम सिखाना चाहते हैं, एक नींव डालना चाहते हैं, जो मैंने खोया है वो मेरे बच्चे ना खोएं। आज जो वचन यहाँ पढ़े हैं उसमें 7वां वचन मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और तू इन्हें अपने बाल बच्चों को समझा कर सिखाया करना और अपने घर में बैठे मार्ग पर चलते लेटते उठते इनकी चर्चा किया करना। तो जो हम सिखाएंगे वो हमारे बच्चे उठते बैठते लेटते चलते फिरते वो ये बात करना चाहिए, उनकी जीवन शैली ऐसी होनी चाहिए। आज प्रार्थना की बहुत ज़रूरत है। मैं पिछली बार जब मैं प्रार्थना के विषय में मैंने बोला, हम प्रार्थना नहीं करते हैं करके नहीं है, लेकिन हमारा प्रार्थना करने का जो शैली है उसको बदलना पड़ेगा। युद्ध करने के पहले योद्धा तैयार होता है, रणनीति बनाता है। हमारी लड़ाई किसके साथ है? क्या हार्ड मास के लोगों से कि अंधकार की शक्तियों से? जब आत्मिक शक्तियों के साथ मतलब अंधकार की शक्तियों के साथ हमारी लड़ाई है, तो हमारे जीवन को हमें कैसे तैयार करना पड़ेगा, आत्मिकता में हमें तैयार करना पड़ेगा। तो लेटते उठते बैठते हमारा जो है
वचन के साथ में, वचन की तलवार को लेकर हम प्रार्थना के साथ, तब हम लड़ पाएंगे, नहीं तो उसका सामर्थ्य कार्य नहीं करेगा। आज प्रार्थना की बहुत ज़रूरत है। प्रार्थना अगर हम करेंगे उसका उत्तर हमें मिलेगा। हमारी प्रार्थना प्रभावशाली प्रार्थना होनी चाहिए। आज कलीसिया में बहुत लोगों को प्रार्थना की ज़रूरत है, और जिनको प्रार्थना की ज़रूरत है वो भी प्रार्थना करें। और हम जो हैं धर्मी हैं, और धर्मी जन की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना, उसका उत्तर मिलेगा हमें। परिवर्तन प्रतिदिन का होना चाहिए। प्रतिदिन हमें अपने आप को समर्पित करना पड़ेगा। प्रतिदिन हमें पूछना पड़ेगा पवित्र आत्मा से कि हमें कैसे जीना है। संडे सिर्फ अपनी मर्जी, यीशु की मर्जी से जिएंगे और बाकी छः दिन अपनी मर्जी से जिएंगे, ऐसा नहीं होगा। संडे एक दिन आकर वचन यहाँ से सुनकर गए और वो वचन हमारे जीवन में काम करेगा, ऐसा नहीं है। प्रतिदिन हमें अपना समय, बहुमूल्य समय देना पड़ेगा परमेश्वर को, चाहे वो प्रार्थना के द्वारा हो, चाहे वचन हम पढ़ते हैं, चाहे वो परिवार में हम बैठकर प्रार्थना करते हैं। बहुत ज़रूरी है। अगर ऐसा नहीं होता तो परमेश्वर ये वाचा देते नहीं, ये बात यहाँ लिखा नहीं जाता। अब्राहम को इसने कहा उत्पत्ति 18 में, क्यों कहा? निकालें उत्पत्ति 18। सत्रह से लेकर 19 तक। क्योंकि मैं जानता हूं कि वो अपने पुत्रों और परिवार को जो उसके पीछे रह जाएंगे आज्ञा देगा कि वे यहोवा के मार्ग से अटल बने रहें और धर्म और न्याय करते रहें, इसलिए कि जो कुछ यहोवा ने इब्राहिम के विषय में कहा है उसे पूरा करेगा। पूरा भरोसा परमेश्वर को था इब्राहिम के ऊपर। क्या वो परमेश्वर हम पे भी वो भरोसा कर सकता है कि हम उसकी वाचा को, उसके वचन को लेकर चलेंगे, हमारे परिवार में हमारे पुत्र हमारे पुत्रियां उसको लेकर चलेंगे? ये जिम्मेदारी हमारी है। आज बच्चा रोता है तो हम क्या करते हैं? मोबाइल दे देते हैं। हमारा जीवन पूरा संसार के जैसा होते चला जा रहा है। ज्यादा समय हम दुनिया के कामों में व्यस्त रहते हैं। मैं गलत बोल रहा हूं तो बताइएगा आप। जैसे उस जमाने में, जैसे बाइबल में लिखा गया, वैसा जीवन है क्या हमारा? जो विश्वास में, जो नायक लोग थे, विश्वास के नायक, उनका जीवन, उनके परिवार का जीवन कैसा था? क्या वैसा हमारा? सिर्फ पढ़ते हैं या सुनते हैं? क्या हमारा जीवन भी वैसा होना चाहिए? क्या हम उसको सीखें? मुझे जो व्यक्ति पसंद है उसके साथ मैं बहुत समय व्यतीत करता हूँ, जो मुझे पसंद नहीं है मैं उसके साथ में नहीं, बात नहीं करूँगा। क्या हम किस वचन में नहीं जी रहे हैं हम लोग? अभी जैसे पास्टर स्वामी ने कहा कि जानते हैं क्या कमल को, कितने लोग जानते हैं भाई कमल को, उनकी पत्नी को कितने लोग जानते हैं? हम बात नहीं करना चाहते हैं किसी से। जो मुझे जानते हैं मैं उन्हीं से बात करूंगा। आप तो उनको जानते हैं, उनसे बात करके क्या होगा? जिनको नहीं जानते उनको जानना है आपको। कलीसियाएं आज वैसा नहीं कर पा रही जैसे मसीह चाहता है कलीसिया को। हमारी मर्जी से कलीसिया नहीं चलेगी, परमेश्वर की इच्छा से कलीसिया चलेगी। हम सीमित ना रहें। परमेश्वर ने हमें चुना है किस लिए? इतनी भीड़ में से हमें चुनकर यहाँ रखा है इसलिए कि हम उसकी पहचान बने, हमें देखकर लोग कहने पाए कि ये मसीह हैं।
मोहल्ले में लोग जानने पाए, बातें करते हैं लोग, बातें करनी चाहिए लोगों को, लोगों को बोलना चाहिए, घोषणा करना चाहिए, ये मसीह लोग हैं, उनके मन में एक रेस्पेक्ट होना चाहिए। आज नहीं है, उसका कारण है कि हम मसीह जैसे, जैसा मसीह चाहता है वैसा हम नहीं जी रहे। मैं गलत बोल रहा हूं? क्या वचन हमारे उठते बैठते चलते फिरते हमारे जीवन में, हमारे परिवारों में है? उन्नीसवां वचन, क्योंकि मैं जानता हूं कि वह अपने पुत्रों को और परिवारों को उसके जो पीछे रह जाएंगे आज्ञा देगा कि वे यहोवा के मार्ग में अटल रहें। वाकई अटल रहेंगे? यहोशू 24:15 क्या कहता है? हम में और दूसरे लोगों में फर्क क्या है? ये दृढ़ता के साथ कहना कि मैं अपने यहोवा, मैं और मेरा घराना परमेश्वर यहोवा की सेवा करेंगे। मुसीबत आए तो निकल लिए, परमेश्वर चाहते हैं हम बीमार रहें, परमेश्वर चाहते हैं कि हम परेशानी में रहें। ऐसा होता तो क्रूस पे वो बलिदान ही नहीं होते। वचन में जीने की कोशिश करें, पहचाने कि हमारी पहचान क्या है मसीह में, हमारा अधिकार किस में है, हमें अधिकार दिया गया है, सिर्फ ऑफिस में नहीं दिया गया। ये कलीसिया में पास्टर सामी की एक अधिकार हो सकता है, लेकिन शैतान के ऊपर अधिकार है कि नहीं ये देखना है। हमारा एक्चुअल अधिकार तो वो है, बीमारियों पर हमारा अधिकार है कि नहीं। तो ये कैसे होगा ये अधिकार, जब मेरा जीवन अटल रहेगा परमेश्वर के ऊपर, विश्वास जो है उस पर रहेगा, मेरा स्थिर रहेगा, मुझे कोई हिला नहीं सकता उसमें से। मैं उस वचन पर बना रहूंगा, उसकी शिक्षाओं पर मेरा जीवन होगा। बहुत जरूरी, आज सबकी नजर मसीह लोगों के ऊपर है। परमेश्वर का उद्देश्य पूरा तो होगा, इसको कोई नहीं रोक सकता है, कोई ताकत इसको नहीं रोक सकती। बड़े बड़े आए चले गए, बल्कि वो बढ़ता चला गया, कोई रोक नहीं पाया। शैतान ने मसीह को गाड़ने की कोशिश की, मसीह जी उठा, हराने की कोशिश की, क्योंकि परमेश्वर जो सोचता है वो होगा, उसको कोई रोक नहीं सकता। मैं और आप उसके द्वारा चुने गए लोग हैं, हमें उसके उद्देश्य को पूरा करना है। वो हमें चुना इसलिए है कि उसका उद्देश्य इस पृथ्वी पर हमारे द्वारा पूरा हो। हम समझें इस बात को, क्या हमारा परिवार वो पूरा करता है क्या? वो जो चुनाव उसने किया है उसमें हम पूर्ण होते हैं क्या? प्रतिदिन देखना है, जांचना है ये हमें। थोड़ी कमजोर नस पर अगर मैं हाथ रख दिया हूं तो क्षमा चाहूंगा, लेकिन मैं धन्यवाद दूंगा परमेश्वर को कि मैं ऐसी सभा में आया हूं जहां वचन को महत्व देते हैं, प्रार्थना को महत्व देते हैं। बहुत सी कलीसियाओं में संपन्नता की ओर बात करते हैं, सत्य है कि संपन्नता होनी चाहिए। परमेश्वर ने हमारे लिए वो गरीब बनाए, क्रूस पे वो गरीब बना, लेकिन मूल बातें हम भूल ना जाएं। किस लिए वो क्रूस पर बलिदान हुआ, पापों से मुक्ति दे दिया, उसके बाद फिर हम कुछ भी कर सकते हैं, हमारा जीवन अपनी मर्जी से जी लेंगे? नहीं, ये बोलने के लिए
किसके सामने भी बोलने के लिए हमें हिम्मत होनी चाहिए कि मैं और मेरा घराना सदा परमेश्वर की सेवा करेंगे। आज क्या हम बोल सकते हैं क्या? कई बार होटल में जाते हैं, हमारे बच्चे तो बहुत जाते रहते हैं, पार्टियां बहुत होती रहती हैं, क्या वो प्रार्थना करते हैं क्या? लोगों के सामने घोषणा करने में उन लोग डरते हैं, झिझकते हैं, जय मसीह की बोलने में डरते हैं हम लोग, भीड़ में मार्केट में मिलते हैं हम लोग जय मसीह की बोलने में घबराते हैं हम लोग, अरे सामने वाला जान जाएगा हम कौन है करके। यीशु मसीह कहते हैं कि तुम दूसरों के सामने मेरी घोषणा नहीं करोगे तो मैं अपने पिता के सामने तुम्हें पहचानूंगा नहीं। हमें रखा इसलिए है कि हम घोषणा करें, हमारा जीवन वैसा होना चाहिए। क्या हम अपने परिवार में ये शिक्षा देते हैं क्या? अगर वचन है तो हमारे बच्चे भी वैसी रहेंगे, वचन से भरे हुए। मैं झूठ बोलूंगा? एक ऐसी घटना हुई, पास्टर बोला अपने बेटे को कि अगर ये व्यक्ति आते हैं तो उनको बोल देना कि पापा घर पर नहीं है। और जब वो व्यक्ति आया, दरवाजा खटखटाया, बच्चे ने जाके खोला और बोला कि पापा ने बोला है। तो ये शिक्षा, पास्टर हैं हम, वचन सिखा रहे हैं या दुनिया की बातें सिखा रहे हैं? वचन से पूछो, बच्चे आज नहीं बोल पाएंगे, संसार की बातें बोले तो तुरंत बता देंगे, यूट्यूब में क्या है सब बता देंगे, सारी चीजें मालूम उनको, दुनिया की सारी चीजें, कौन सी मूवी आई है, कौन सा हीरो है हीरोइन है सब बता देंगे। परमेश्वर हमसे क्या चाहते हैं? एक पवित्र जीवन। मैं नहीं बोलता कि आज हो जाएगा वो, लेकिन प्रतिदिन हमें जीना पड़ेगा कि हमारी सोच से, हमारे देखने में, बोलने में, सुनने में, हर एक क्रियाओं के द्वारा हम वो काम करें जो परमेश्वर को प्रसन्न करता है। जब मैं वैसा रहूंगा तो मेरे बच्चे भी वैसे रहेंगे। मैं वैसा नहीं हूं और मैं उम्मीद करूं, ये कलीसिया जो है प्रार्थना करने वाली कलीसिया है, ये कलीसिया जो है भेजने वाली कलीसिया है, ये कलीसिया जो है देने वाली कलीसिया है। उसका कारण क्या है मालूम है? हमारे पासवान, उनका जीवन वैसा था इसलिए कलीसिया वैसी होगी, उनके बच्चे भी वैसे ही हैं, मतलब हम सब उनके बच्चे हैं। तो हम में से बहुत सारे लोग वो जो उनका नियम कानून है उसको पालन करते हैं, सुबह उठ के प्रार्थना करना, वचन पढ़ना उनकी जीवन शैली है। आज वो ये उपाधि अगर उनको मिली है, उसका बहुत बड़ा कारण है कि उनका जीवन वैसा समर्पित है परमेश्वर के लिए। परमेश्वर उन्हीं को उठाते हैं जो अपने आप को नीचे करते हैं, तू बड़े और मैं घटूं, तो वो अपने जीवन में घटते रहे हैं और परमेश्वर उनको उठाता रहा। इसलिए आज गवाही देने के लिए, बोलने में भी हमें गर्व महसूस होता है कि पास्टर पापी मदाई के चर्च से आते हैं हम। लोग बात करते हैं बाहर, मैं घूमता हूं, मुझे मालूम है पास्टर पापी मदाई, पास्टर पापी मदाई। तो उनका जो समर्पण था, उनका जो बलिदान था, वो मैं उसकी तुलना किसी और से नहीं कर रहा हूं, लेकिन हमें गवाही देने के लिए तो है ये बात। तो उनका जीवन कैसा था, उनका परिवार, उन वो जहां पैदा हुए, जिस घर में वो पले बड़े, वहां भी वैसी ही शिक्षा उनको मिली है। उसी को देख, जैसा बीज रहेगा
वैसा ही फल भी रहेगा। तो क्या हम फल की चिंता, हम फल की चिंता करते हैं लेकिन बीज कैसा है, जमीन कैसी है बिल्कुल नहीं देखते हैं। अगर ये जो हम वचन पढ़ रहे हैं ये नहीं रहेगा हमारे जीवन में, हमारे परिवारों में नहीं रहेगा, तो उम्मीद कर अच्छे फल की उम्मीद मत कीजिए। सब कुछ परमेश्वर के ऊपर छोड़ेंगे तो कैसा होगा, फिर तो घर में बैठने की जरूरत है, काम करने की जरूरत ही नहीं है। काम करते हैं कि नहीं, हम कमाते हैं तो उसी तरीके से परमेश्वर को सब कुछ डाल दें, परमेश्वर सब कुछ परमेश्वर करेगा, हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है फिर तो। तो हमें जो करना है वो हमें करना ही है, उसमें कोई समझौता नहीं कर सकते। तो मैं उम्मीद करता हूं कि मेरी बातें किसी को खराब नहीं लगी होगी, अगर खराब लगी होगी तो वो सुधारने के लिए होगी, क्योंकि वचन हमें, हम जब जब वचन पढ़ेंगे वचन हमें सुधारता है, वचन हमें सिखाता है, वचन सिखाने के लिए है, हमें सुधारने के लिए है वचन। ये वचन सबसे पहले मेरे जीवन में काम करेगा, मैं जो बोल रहा हूं आपसे, उसके बाद ही आप लोगों के जीवन में काम करेगा। तो कोई मुझे बद्दुआ नहीं देगा, दुआ ही देगा। प्रभु आप सबको आशीष दें। धन्यवाद।